ये वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि चैट जीपीटी पी बेस्ट चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान क्या सजेस्ट करता है तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं सर्च तो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी पे कीवर्ड डाला बेस्ट चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान और ये करके मैंने एंटर किया तो यहाँ पे देखते हैं तो Uh, ये जो सजेस्ट कर रहा है एक तो ई एस ए है फाइव टू नाइन कॉलेज तो ये जो है हमें कुछ पता ही नहीं है बिकॉज ये यूएसए uh, के जो चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान है ये सजेस्ट कर रहा है तो हमें ये इंडियन कॉन्टेक्स के अंदर uh, चाहिए तो देखते हैं अभी ये एक बार कंप्लीट हो जाए इसके बाद हम uh, यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान इंडिया अभी देखते हैं कि ये क्या सजेस्ट करता है तो सबसे पहले इसने लिस्ट में सजेस्ट किया है पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ सेकंड इसने सजेस्ट किया है सुकन्या समृद्धि योजना थर्ड इसने सजेस्ट किया है यूलिप्स जो भी इंश्योरेंस कंपनीज के इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं वो फोर्थ इसने सजेस्ट किया है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट उसके बाद म्यूचुअल फंड्स इसने सजेस्ट किया है एंड उसके बाद एजुकेशन लोन तो ऑब्वियसली एजुकेशन लोन तो माना नहीं जाएगा क्योंकि ये से इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है बट अगर दूसरा देखा जाए तो म्यूचुअल फंड तो आ, मैंने आपको प्रीवियस जो एक वीडियो के अंदर दिखाया था कि मेरे हिसाब से जो फोर बेस्ड चाइल्ड ऑप्शन जो है चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान वो क्या है वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ वो है मैंने सजेस्ट किया था फर्स्ट है म्यूचुअल फंड सेकंड है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड स्पेशली आपका गर्ल चाइल्ड है थर्ड है सुकन्या समृद्धि योजना अगर आपका गर्ल चाइल्ड है और फोर्थ है पीपीएफ तो पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना और म्यूचुअल फंड्स ये चैट जीपीटी भी सेम ही दिखा रहा है पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना एंड म्यूचुअल फंड्स ये तीन चैट जीपीटी भी दिखा रहा है हावेवर जो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड है जो मैंने दिखाया था और मैंने उस टाइम पे आपको बताया था कि फिजिकल गोल्ड से ये डिस्काउंट में मिलता है क्योंकि फिजिकल गोल्ड पर थ्री परसेंट जीएसटी लगता है और एनीवेर बिटवीन टेन टू ट्वेंटी मेकिंग चार्जेस लगते हैं जबकि सोवेर गोल्ड बॉन्ड में ये चार्जेस नहीं लगते हैं प्लस 2.5 परसेंट इंटरेस्ट भी मिलता है और सोवेरन गोल्ड बॉन्ड एक्सचेंज पर 5 टू 7 परसेंट डिस्काउंट में भी मिलता है और 8 इयर्स के बाद जब आप रिडीम करते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स उसका नील होता है ऑफ कोर्स इंटरेस्ट पर टैक्स चार्ज होता है बट वो मिनिमल होता है तो सोवेर गोल्ड बॉन्ड है स्पेशली आपका गर्ल चाइल्ड है या इवन बॉय चाइल्ड है तो सोवेर गोल्ड बॉन्ड ए वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाइल्ड के फ्यूचर के लिए माना जाएगा आप गोल्ड के अंदर डाइवर्सिफाई भी हो सकते हैं इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं और गोल्ड के कैपिटल गेन भी कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं पे करना होता है तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लान माना जाएगा चाइल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये इसके अंदर इसने सजेस्ट नहीं किया अनदर थिंग मुझे इससे एक प्रॉब्लम ये है कि मैं यूलिप्स जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है मैंने एडवाइस किया था कि वाई नॉट इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान सोड बाय इंश्योरेंस कंपनीज यूलिप्स में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए वो मैंने सेपरेट वीडियो ये चैनल पर प्रीवियसली बहुत सारी बार देखा है क्योंकि यूलिप्स जो होते हैं वो ओपेक म्यूचुअल फंड होते हैं और हमें कभी भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कंबाइन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कॉस्टली होते हैं और उसके अंदर हिडन चार्जेस होते हैं ऑब्वियसली अभी ये लोग बोलते हैं कि थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन के जो न्यू जनरेशन यूलिप्स है उसके अंदर जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है बट अगर हो सके तो आपका इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट नीड आपको सेपरेट रखना चाहिए तो मैंने जो मैं हमेशा हमारे चैनल पर जो सजेस्ट करता हूँ उसमें यूलिप में इन्वेस्ट करने से आपको मना करता हूँ क्योंकि बेटर ऑप्शन हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव अवेलेबल होते हैं जबकि यहाँ पर देखा जाए तो चैट जी ने एक यूलिप ऑप्शन भी दिखाया है तो ऑब्वियसली चैट जीपीटी का जो डेटा होता है वो हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट नहीं होता है और हम उस पर ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिलीव नहीं कर सकते बट uh, फिर भी अगर देखा जाए तो चैट जीपीटी ने बहुत ही अच्छे सजेशन किए हैं मतलब थ्री आउट ऑफ फोर उसने जो बेस्ट चाइल्ड इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स हैं पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना और म्यूचुअल फंड ये तीन और आउट ऑफ फोर मतलब फोर्थ इस सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड तो तीन प्रोडक्ट तो इसने सजेस्ट कर दिया है एक ये इसने जो सजेस्ट किया है जिसमें इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है कॉस्टली मतलब बेटर दूसरे ऑप्शन हमारे पास रहते ही है बट एनी वेज तो ये चैट जीपीटी का ये ऑप्शन होता है एजुकेशन लोन ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट नहीं है मतलब शायद इसने इस टाइप से लिया है कि जो हम लोन लेके एजुकेशन लेते वो इन्वेस्टमेंट है शायद वो पर्सपेक्टिव से उसने देखा है पर हम यहाँ पे प्रॉपर मतलब मनी इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में अभी ये टॉपिक के अंदर हम नहीं ये करेंगे ओके okay, तो दोस्तों आप लोगों का जो सजेशन है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं और आप ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इसके अलावा आपके पास कोई बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है आपके हिसाब से चाइल्ड के फ्यूचर के लिए तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में नीचे मैंशन कर सकते हैं थैंक यू